विश्वविख्यात शक्तिपीठ ज्वालामुखी मंदिर में हजारों श्रद्धालुओं ने लाइन में लगकर मां ज्वाला की ज्योति के दर्शन किए और मां का शुभ आशीर्वाद प्राप्त किया। मंगलवार को मौसम खराब होने के बावजूद काफी ठंड थी, जिसमें श्रद्धालुओं को लाइनों में लगकर दर्शन करवाए गए। विश्व विख्यात शक्तिपीठ ज्वालामुखी मंदिर में हजारों श्रद्धालु लाइनों में लगकर मां ज्वाला की ज्योति के दर्शन कर रहे हैं और मां का शुभ आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। मौसम खराब होने की वजह से काफी ठंड हो गई है, जिसमें भी श्रद्धालुओं को लाइनों में लगकर दर्शन करवाए जा रहे हैं। ज्वालामुखी मंदिर में कलयुग में आज भी बजी सत्या का प्रमाण सिद्ध होता है, जिसमें आज भी ज्वालामुखी मंदिर में लोटे में भी ज्वाला माँ के दर्शन होते हैं, जिसमें पानी व दूध को लोटे में डालकर ज्वाला माँ के मुख में लगाते हैं, तो ज्वाला माँ के दर्शन लोटे में अपने सभी भक्तों को देती है। पुजारी अविनेंद्र शर्मा ने बताया कि ज्वालामुखी मंदिर में लोटे में ज्वाला माँ के दर्शन करवाए जाते हैं। कलयुग में ये सत्या का प्रमाण साबित होता है। जले ज्वाला स्थले ज्वाला, ज्वाला आकाश मंडले, तरलोय व्यापानी ज्वालामुखी देवी नमा, ये जो मंत्र है जल में ज्वाला स्थल में ज्वाला ज्वाला आकाश मंडल में आज के युग में बड़ा ही यथार्थ है। ज्वालामुखी मंदिर में आकर भक्तों को पानी व दूध को लोटे में भोग लगाते हैं और लोटे में ज्वाला माँ के दर्शन होते हैं। ज्वालामुखी के 140 किलोमीटर दूर स्थित जिला बिलासपुर में नैना देवी शक्तिपीठ मंदिर में वहाँ पर आकाश मंडल के द्वारा ज्योतियाँ बहा जाती है और आने वाले सभी भक्तों को दर्शन देती है। नैना देवी मंदिर के ऊपर त्रिशूल स्थित है, वहाँ जाकर नैना देवी माँ के नेत्र को स्पर्श करते हैं। उसके बाद मंदिर में स्थित पीपल के पेड़ के पत्ते पत्ते पर ज्योतियों के दर्शन होते हैं। मंदिर में इतनी हवा होती है कि मंदिर में कोई आदमी खड़ा ही नहीं हो सकता और मंदिर में मौजूद सभी भक्तों ने अपने हाथों में जो फूल व मिठाई ली होती है उन सब पर ज्योतियों के दर्शन होते हैं। और जिस दिन ज्योतियां नैना देवी मंदिर जाती हैं उस दिन मौसम भी बारिश वाला होता है। उस दिन ज्वालामुखी मंदिर में ज्योतियां शांत हो जाती हैं और ज्वाला माँ की मुख्य ज्योति के दर्शन होते हैं। युग में एक सत्य का प्रतीक है, इसके बारे में बताइए जरा। ज्वालामुखी मंदिर जो है हमारे काम शक्तिपीठों में सबसे ही जागृत अवस्था में है। आपको हर मंदिर में कहीं मूर्ति कहीं बंडी मिलेगी, लेकिन ज्वालामुखी में आपको ज्योति के दर्शन होंगे। वो आज के युग में प्रत्यक्ष प्रमाण है और ज्योति इस वक्त बिना घी तेल के अपने आप जलती है। राजा अकबर ने इनकी परीक्षा करने की कोशिश की और पूरे कुंड को ज्योतियों को पानी से भर दिया और ज्योति हजारों की संख्या में तैरने लग पड़ी। तब से ही परंपरा चली आ रही है। आज भक्त दूध और जल लोटे मिलाकर यहाँ पुजारी जी को देते हैं और पुजारी जी छोटे से लोटे में उस जल और दूध को डालकर माता जी को बुलाते हैं और उस समय के लिए कुछ ज्योति कांस उस लोटे पर तैरता है और ये बहुत ही एक चमत्कार सा प्रतीत होता है। और इसकी वास्तविकता ये है कि जो हम मंत्र बोलते हैं जले ज्वाला स्थले ज्वाला ज्वाला आकाश मंडे त्रिलोक व्याप्ते श्री ज्वाला की देवी ब्रह्मा, ये अध्याप सिद्ध होता है कि महामारी जल थल भूमि आकाश हर जगह व्याप्त है। तो इसका प्रमाण आज के युग में मिलता है कि यहाँ से 140 किलोमीटर ज्वाला से नैना देवी माता जी का मंदिर स्थित है। वहाँ पर महामारी महिषासुर मर्दिनी के रूप में स्थापित है और हमारे शास्त्रों में ऐसा विदित है कि महामारी ने महिषासुर राक्षस का वध किया और उसकी अस्थि पिंजरे को अपने आसन के नीचे रखा और वो इसलिए अपने स्थान से नहीं उठती है कि अगर वो उठेगी तो राक्षस अपने आपको द्वारा से पुनः जीवित कर देगा और युद्ध को आपको मिल जाएगा। तो बाकी माताएं उनसे मिलने जाती हैं, उसका अपमान तो मिलता है, लेकिन आज के युग में ज्वाला जी जब भी जाती है तो बकायदा मंदिर में पहुँचती है, हजारों की संख्या में ज्योति पहुँचती है। वहाँ पर मंदिर में त्रिशूल है, वहाँ उसको स्पर्श करती हैं। उसके बाद में पीपल का पेड़ उसके पत्ते पत्ते भी ज्योत आती है, फिर ज्योति माता के अंदर जो नेत्र में स्पर्श करती हैं और हजारों की संख्या में यात्री को मौका मिलता है तो वहाँ दर्शन करते हैं। बकायदा मंदिर वाले नमस्कार करते हैं कि ज्वाला जी की ज्योतियाँ आई हुई हैं, हाथों में फूल फल मिठाई लेकर वहाँ पर लोग खड़े होते हैं और मंदिर इतनी हाइट पे है और इतनी वहाँ पर हवा होती है, उसके बावजूद भी वहाँ ज्योति दर्शन होते हैं और ये आज के युग में बहुत बड़ा ही चमत्कार है। जय माता।